जिस राज्य में सत्ता अपनी हो उस राज्य के राजनीतिक पार्टी के मुखिया की सामाजिक पहचान पर किसी और का कब्जा हो जाए तो क्या कहेंगे। वो भी शख्सियत अगर लालू यादव हो तो सत्ता में ऐसी बदसलूकी की समाज से जुड़ने वाला माध्यम ही है खो जाए। राष्ट्रीय जनता दल RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद के फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया गया है। हैकरों ने उसमें कई राष्ट्रीय नेताओं के बारे में आपत्तिजनक और अश्लील कमेंट भी पोस्ट की है। इस बात की जानकारी जब RJD अध्यक्ष को मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके उपरांत बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शहर की पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस इस मामले की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रही है। RJD अध्यक्ष के फेसबुक अकाउंट को किसने और क्यों हैक किया इसका पता अभी नहीं चल पाया है। गौरतलब है कि राजनेताओं से लेकर कई नामी गिरामी हस्तियां अब तक साइबर क्राइम को अंजाम देने वालों के निशाने पर हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए मामले की जांच की जाएगी। सबसे पहले उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है जिससे फेसबुक अकाउंट हैक किया गया है। नंबर मिल जाने पर पूरी गुत्थी सुलझ जाने की उम्मीद है। RJD चीफ लालू प्रसाद यादव का फेसबुक अकाउंट 4 दिनों तक हैक रहा और इस पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड कर दी गई। 12 मार्च को पार्टी कार्यकर्ता ने इस मुद्दे को उठाया जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि लालू का अकाउंट 8 मार्च को हैक किया गया और 11 मार्च तक इस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां और फोटो अपलोड किए जाते रहे। साइबर सिक्योरिटी सेल की मदद से पेज को बंद कर दिया गया है और अब एक नया फेसबुक अकाउंट खोल दिया गया है।